हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रिकर में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह जो विभिन्न पद हैं, हेमचंद्र चाड़िया नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पॉटन में आया है, जिसमें लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में ₹500 एप्लीकेशन शुल्क हैं। SC, ST, PWD और OBC कैंडिडेट के लिए ₹250 एप्लीकेशन शुल्क हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है, संबंधित डॉक्यूमेंट लगाकर यहां से जो एड्रेस दिया है यानी इस एड्रेस पे सेंड करना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27/7/2022 तक रिसीप्ट होना चाहिए और बाई स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, या आप नज़दीक हैं तो ऐसे जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। तो इसमें नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रार का पद है, कुल एक पद है और जनरल का पद है, L7 है, यानी L7 के अनुसार L14 है। 1,44,200 पर मंथ सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है इतना है। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी मैं नीचे बताऊँगा। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। 7 पे के अनुसार पे मेट्रिक यानी L11 67,700 बेसिक सैलरी है। चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L11 है, बेसिक जो पेमेंट है 67,700 हैं। लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं, कुल एक पद हैं। सभी पद जनरल कैटेगरी में हैं। पे मेट्रिक लेवल L11 है, 67,700 बेसिक सैलरी हैं। डिप्टी इंजीनियर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, L9 है, 53,100 बेसिक सैलरी हैं। इसके बाद HRA और DA मिलेगा, ये बेसिक सैलरी मैं बता रहा हूँ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं, L9 है, L9 के अनुसार बेसिक सैलरी 53,100 हैं। अकाउंटेंट के लिए कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, L7 हैं, 39,900 बेसिक सैलरी हैं। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक UGC नेट क्रिकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। जो पे स्केल, अलाउंस, क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट जो है UGC के नॉर्म्स के अनुसार अप्लीकेबल हैं, UGC रूल्स के अनुसार अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा नॉलेज ऑफ गुजराती इज एसेंशियल हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इन सभी पदों के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रार पद के लिए क्वालिफिकेशन में हम बात करते हैं, बाकी डिटेल तो मैं बता दिया हूँ। तो क्वालिफिकेशन जो है, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल हैं। इसके साथ में 15 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 11 के अकॉर्डिंग 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो जो ये क्वालिफिकेशन है UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं सभी पोस्ट के लिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ या इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल या वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग है, जिसमें 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर L10 या इसके एबव का होना चाहिए। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चीफ अकाउंट ऑफिसर के लिए हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स के साथ हैं। क्वालिफिकेशन सब में सेम है, UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं। एक्सपीरियंस में 15 साल का एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 11 के अनुसार हैं। अगला जो हमारा पद है लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस 55% मार्क्स के साथ हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरियन पद पर होना चाहिए।
यानी UGC नॉर्म्स के अनुसार क्वालिफिकेशन है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। डिप्टी इंजीनियर पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बी सिविल या 8 ईयर एक्सपीरियंस, यानी बैचलर जो है बैचलर इंजीनियरिंग फील्ड में सिविल में है और साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी एक बार आप पढ़ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% अंक या इट इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोइंग। डिजाइबर में 5 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर या इक्विवेलेंट लेवल पे हैं। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, जिससे अपडेट और नई वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहेगा। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात हम करते हैं तो इसमें MCOM या BCOM विद 50% मार्क्स, 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफिस वर्क से रिलेटेड हैं। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है और किस तरह का